नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी हाइब्रिड के बारे में, या होंडा जिस तरीके से कहता है EHEV, यही लिखा है ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेल, होंडा की जो EHEV टेक्नोलॉजी है वो सिटी के साथ में जो है जल्दी इंडिया में आने की उम्मीद है, और जब ये आ जाए टेक्नोलॉजी तो ये सबसे अफोर्डेबल हाइब्रिड कार जो है इंडिया में बन जाएगी, और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। किस तरीके का सिस्टम है, कैसे काम करता है, क्या डिफरेंसेस है रेगुलर सिटी से, उन सब चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या कुछ चेंजेस जो है वो सिटी हाइब्रिड में होंगे रेगुलर सिटी के मुकाबले, उनकी बात करते हैं। एक तो देखो, ये RS ट्रिम है, तो इसमें कई चीज़ें जो यहाँ क्रोम आता है उसकी जगह ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया, और बेहद ही खूबसूरत ये ब्लैक कलर लगता है। RS यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक ट्रिम का इस्तेमाल है, थोड़ी सी ग्रिल जो है उसमें डिफरेंशिएशन आपके पास में। यहाँ पे होंडा का जो लोगो है उसके अराउंड ब्लू लाइट देख पा रहे हो आप, ये हल्की सी ब्लू कलर देख पा रहे हो, ये सिग्निफाई करता है कि दिस इज़ एन हाइब्रिड व्हीकल। साइड में अगर आप आओगे तो वही आपके पास में साइज़ है टायर की, 16 इंचेस की, 155/55 R16 ये टायर की साइज़ है, और वही सब इक्विपमेंट जो है वो भी ओवरऑल वही है। थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस जो है, मतलब आपके पास में ये जो क्या बोलते हैं इसको, बैजिंग वगैरह के, और इधर आपके पास में ये स्टिचिंग वगैरह के और सीट्स वगैरह के जरूर चेंजेस है। एक चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे अंदर बैठने के बाद, वो ये कि भले ही इंफोटेनमेंट वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन ये देख पा रहे हो आप क्रूज़ कंट्रोल जो है उसमें ये ऐड किया गया, जो कि आपकी बेसिकली एडास के कुछ फंक्शंस जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, इसका ये बटन भी जो है उसी का पार्ट है, और यहाँ पे जो कैमरा लगा है उसकी वजह से कुछ कुछ एडास वाले फीचर्स जो है वो आपके पास में इसमें यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट है और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है। पीछे की तरफ EHEV यहाँ लिखा हुआ है, RS की बैजिंग है, RS की बैजिंग होने की वजह से ये कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं है, सब कुछ चीज़ें वही है, बूट स्पेस वगैरह भी वही है, कोई हाइब्रिड होने की वजह से कुछ उसमें बदलाव जो है नहीं है कि यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं आता, तो उसकी जगह ये स्पेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो बदलाव है असल में, जो मैटर करने वाली चीज़ है वो है इसके इंजन बे में, वहाँ पे सारे करामात हैं, वहीं पे सारे जो है जवाब है, वहीं सवालात है। ये खोलो आप, और यहाँ पे जो है 1.5 लीटर का इंजन, जो कि लगभग 92 या 98 ऐसे PS की पावर और 120 समथिंग न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। जी हाँ, थोड़ा सा डिट्यून्ड है। क्यों डिट्यून्ड है? क्योंकि अब उसके साथ में एक उससे भी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लग गई, और वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो गाड़ी के व्हील्स को डायरेक्टली ड्राइव कर सकती है। जी हाँ, ये प्रॉपर हाइब्रिड व्हीकल है, और अगर आपका मतलब आप जिस गाड़ी डिसाइड करेगी कि कौन से मोड पे चलनी है, इलेक्ट्रिक पावर पे चलनी है या फिर इंजन पावर पे चलनी है, और जो है दोनों के बीच में स्विच कर सकती है, और इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा है आपकी मोटर पावर से, मतलब जो इंजन पावर है उसकी, क्या पावर फिगर है एग्जैक्टली बता ही देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, 98 आपको PS जो है वो इंजन निकाल के देता है, बट 109 PS जो है वो आपको निकाल के देता है इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो, और टॉर्क डेफिनेटली 253 इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा निकाल के देती है, 127 ही निकाल के देता है इंजन। तो वो इंजन जो है वो ज़्यादा पावर निकाल के नहीं दे रहा है, वो यहाँ पे जो है बैटरी निकाल के दे रही है। इस वजह से जो है ये किसी भी मायनों में ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पावरफुल होगी या नहीं होगी। अब देखना ये है कि जब ये गाड़ी रोड पर चलती है तो वो सब चीज़ें कैसे ट्रांसलेट होती है, क्या लोगों को मज़ा आता है या नहीं आ पाता है, और फ्यूल एफिशिएंसी है वो तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी, लगभग 27-28 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी जो है यहाँ पे हो जाएगी। अब होंडा जब इसको इंडिया में लाता है तो वो ई सेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है, होंडा सेंसिंग जो उनकी एडास वगैरह वाली टेक्नोलॉजी उसके साथ में लाएगा या नहीं लाएगा ये नहीं पता है, बट अगर इंडिया में होंडा इसको लाता ही नहीं है, इसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो भैया होंडा का इंडिया में इंटरेस्ट है या नहीं, ये सुर्खियों में वापस चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अभी बीच में फिर से सवाल उठ गया था कि होंडा जो इंडिया से जाना चाह रहा है, बट आई डोंट नो जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा, क्या कर रहे हैं वो। तो भैया कब आ रही है होंडा की EHEV या ई हाइब्रिड? मेरे ख्याल से हाइब्रिड नाम ज़्यादा बेटर सूट करेगा, होंडा सिटी हाइब्रिड। तो ये अभी जो है एग्जैक्ट चीज़ें पता नहीं है, बट अगर होंडा इसको जल्द ही इंडिया में ला पाए, इंडिया में असेंबल कर पाए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ में, तो उनका रिवाइवल जो है वो हो सकता है। अदरवाइज़ उनकी जो कंडीशन है अभी वो काफ़ी मार्केट में ऐसे लग रही है कि क्या पता होंडा रहने के मूड में है या नहीं है, वैसे वाले क्वेश्चंस जो है वो होंडा के ऊपर आने लगे हैं। फिलहाल हाइब्रिड्स इंडिया के लिए सेंसिबल है, मैं पिछले 3-4 सालों से गाता आ रहा हूँ, आई डोंट नो कब इस पे सीरियस डिस्कशंस शुरू होंगे ओवरऑल इंडस्ट्री में, बट हाइब्रिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी होते जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।